नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लेटेस्ट स्टॉक्स पर। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली एमपीपीएससी प्री कंडक्ट हो चुका है, इसका एग्जाम दोस्तों आज कंडक्ट हो गया है, दोनों पेपर यहाँ पे हो चुके हैं और दोस्तों अब बारी है कट ऑफ जानने की। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी डिटेल में बात करेंगे, कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ, किस कैटेगरी में कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपका जा सकता है। वहीं बात करेंगे पेपर के जो लेवल के बारे में, पेपर का लेवल किस तरह का रहा है और पिछले साल के मुकाबले इस साल पेपर टफ आया है, ईजी आया है, मॉडरेट रहा है, कैसा रहा है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पेपर लेवल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जीएस और जीए दो पेपर हुए थे। जीएस का जो पेपर था दोस्तों वो मॉडरेट टू टफ रहा है, पिछले साल की कंपैरेटिवली अगर बात कर लें तो पैटर्न भी चेंज हुआ था, तो इस बार जो पेपर है थोड़ा सा टफ की तरफ गया है, मॉडरेट टू टफ इजी नहीं बोल सकते हैं। बाकी अगर अगले पेपर की बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की, तो दोस्तों वो पेपर ठीक रहा है, इजी टू मॉडरेट रहा है, कोई इसमें इशू नहीं आया है। बाकी आगे कट ऑफ की बात करते हैं तो जब दोस्तों यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का कट ऑफ क्या रहेगा, जनरल की बात कर ले तो 73 टू 76 आपका कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा टफ भी पेपर आया है इसलिए अदरवाइज आपका कट ऑफ इस बार और हाई जा सकता था, क्योंकि 75 अप्रॉक्स तो लास्ट टाइम ही आपका कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 72 टू 74 यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाने की। ओबीसी की बात करें तो 72 टू 76 आपका कट ऑफ जा सकता है ओबीसी का। अब दोस्तों यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, आगे बात करेंगे एससी और एसटी के कट ऑफ के बारे में। बाकी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपने जो पेपर दिया है आपको लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली किस तरह का लेवल लगा है। मुझे दोस्तों काफी फीडबैक आया है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताया हूं मॉडरेट टू टफ इस बार का पेपर रहा है। बाकी दोस्तों आंसर की भी आपके लिए लेकर आऊंगा। बात कर लेते हैं एससी और एसटी के कट ऑफ के बारे में। तो एससी का जो दोस्तों कट ऑफ है आपका 69 टू 71 जाने की उम्मीद है, वहीं एसटी की बात करें तो 66 टू 69 आपका एससी का कट ऑफ जा सकता है। और दोस्तों ये आपको मैंने लगभग सभी पे कैटेगरी के बता दी हैं, जो पांच मेन कैटेगरी हैं इनका जो कट ऑफ है इसी बीच में आपका रहने वाला है। बाकी जो क्लियरेंस है आप प्लस माइनस टू का ले सकते हैं, प्लस माइनस टू से ज़्यादा आपका जो कट ऑफ है उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है। जो मैंने कट ऑफ आपको लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर 2019 जो कंडक्ट हुआ था एग्जैक्ट दोस्तों उतना कट ऑफ का गया था, और इस बार भी दोस्तों आप 100% में आपको उम्मीद है पूरी कह सकता हूँ, जो रेंज मैंने बताई इसी रेंज के अंदर आपका कट ऑफ जाने वाला है। अगर इस रेंज के अंदर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल दोस्तों, या आप बॉर्डर पे हैं तो भी बिल्कुल अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, और बाकी किसी भी तरह का डाउट है तो बिल्कुल पूछ ही सकते हैं। इस बार का जो पेपर है और हो चुका है, जो नया पैटर्न आ गया है दोस्तों, अब उसी के अकॉर्डिंगली आगे के जो आपके मेंस प्री कंडक्ट होंगे सब उसी के अकॉर्डिंग कंडक्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों यह मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, बाकी आप सभी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बार का पेपर किस तरह का रहा है, और कट ऑफ इसी रेंज में जाने वाला है या फिर नहीं जाने वाला है, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और किसी भी तरह का डाउट होता है बिल्कुल पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।